हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज ट्यूब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। अगर आप एक गरीब परिवार से हैं या फिर आप गरीब परिवार में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके हैं, वीडियो को अंत तक देख लें, क्योंकि भाई गरीब परिवारों के लिए मोदी सरकार 3.0 बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी लेके आई है। आप सभी जानते हैं देश भर में इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार ना आई, लेकिन NDA प्लस बीजेपी की सरकार बन चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को शपथ भी ले चुके हैं। शपथ लेने के बाद तुरंत ही मोदी सरकार ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में बहुत बड़े बड़े ऐलान किए, जिससे आपको फ़ायदा होने जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जिनके पास भी BPL का राशन कार्ड है, यानी कि चाहे गुलाबी राशन कार्ड है चाहे पीला राशन कार्ड है, उनको अब 3 बार महीने में राशन उपलब्ध करवाया जाएगा और अलग अलग प्रकार का आपको राशन मिलेगा। क्या क्या राशन मिलेगा ये भी आपको मैं बताऊंगा। वहीं 80 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बार शामिल किए गए हैं। वहीं 18,000 रुपये अब राशन कार्ड पर एक महिला को मोदी सरकार उपलब्ध कराएगी 1 साल के। जी हाँ, ये किस योजना के तहत कराएगी और कैसे आपको आवेदन करना पड़ेगा ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से ही जानेंगे। ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी, अंत तक देख ले वीडियो को। वह अपने गांव, शहर या फिर राज्य का नाम भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, ताकि आने वाली वीडियो आपके गांव, शहर, राज्य से जुड़ी हुई हो। लगातार सरकार बनने के तुरंत बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग ली। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली फाइल साइन की थी, जी हाँ, वो गरीबों के कल्याण के लिए की थी। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे जिनके पास पीला और गुलाबी राशन कार्ड बना हुआ है, उसको अब मोदी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 बार राशन देगी। जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एजेंडे में गरीबों को प्राथमिकता पहले देने का काम किया है। इस बार 3 बार आपको राशन दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस बार आपको 3 बार राशन मिलेगा, जिसमें पहला जो राशन है वो आपको 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच मिलेगा, दूसरा राशन आपको 11 तारीख से 20 तारीख के बीच मिलेगा, तीसरा राशन आपको 21 तारीख से 30 तारीख के बीच मिलेगा। सबसे पहले आपको गेहूं या चावल, इन दोनों अनाजों में से एक अनाज आपको उपलब्ध करवाएगी सरकार। दूसरा आपको जो राशन मिलेगा, आपको उसमें चीनी और तेल उपलब्ध करवाया जाएगा। चीनी की बात करें तो आपको 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी उपलब्ध करवाई जाएगी सरकार की तरफ से। एक परिवार 5 किलोग्राम तक चीनी ले सकते हैं। सरसों के तेल की बात करें तो सरसों का तेल आपको 10 रुपये लीटर के हिसाब से 5 लीटर तक सरसों का तेल आपको 1 महीने में सरकार मुहैया कराएगी। बहुत बड़ी खबर है भाई। और आपको तीसरा जो राशन मिलेगा, उसमें दाल और मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। दाल की बात करें तो 3 प्रकार की दाल आपको मिलेगी, जिसमें चने की दाल, उड़द की दाल व मसूर की दाल। ये 3 प्रकार की दाल आपको सरकार मुहैया कराएगी। मसालों की बात करें तो मसालों में आपको मिर्च, हल्दी, धनिया, ये तीनों का एक पैकेज आपको उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार आपको ये जो पैकेज है ये 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में देगी। सभी राज्य सरकारें इसमें अलग अलग नियमों के हिसाब से आपको फ़ायदा दे सकती हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो कि राशन कार्ड को लेकर ही सरकार ने अलर्ट पर अब रखा है। और राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आपको ये सुविधा भी सरकार उपलब्ध कराएगी। अगर आपके परिवार में छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, 1 साल से लेकर के 5 साल तक का बच्चा है, उस परिवार के उस राशन कार्ड पर मोदी सरकार 1 सूखे दूध का पैकेट भी उपलब्ध कराएगी, 1 किलोग्राम का, जो कि प्रत्येक माह आपको उपलब्ध होगा। आपको बता दें काफ़ी सारे राज्यों में राज्य सरकार इसमें अलग से नियम के हिसाब से आपको 10 से 20 रुपए पैसे भी ले सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए आ रही है इस बार, जिससे आपको एक भी पैसा सरकार को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है भाई।
बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। जी हाँ, प्रत्येक राशन कार्ड पर सरकार हर साल, जी हाँ हर साल, अब देने जा रही है 18,000 रुपए। जी हाँ, अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपके परिवार में महिला है, महिला को अब सरकार महिला सम्मान निधि योजना के साथ जोड़ने वाली है। जी हाँ, एक योजना सरकार लेके आई है, महिला सम्मान निधि। जैसे कि किसान सम्मान निधि एक योजना सरकार चलाती है, उसमें किसानों को 6,000 रुपए साल की दिए जाते हैं। अभी हाल ही की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की है, जिसमें 2,000 रुपए किसानों के बैंक अकाउंटों में डाले गए हैं। अभी बात करें तो महिलाओं के लिए महिला सम्मान निधि सरकार एक योजना लेके आई है, जो कि जुलाई में लागू हो सकती है। आपको बता दें, इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए प्रत्येक माह, 18,000 रुपए प्रत्येक साल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दें, ये उन महिलाओं को मिलेंगे जिनके पास BPL का राशन कार्ड है, 1,20,000 रुपए तक वार्षिक आय उनकी है, यानी कि बिल्कुल ही गरीब परिवार की महिला है, उन महिला को सरकार इस योजना के साथ जोड़ेगी। जिस प्रकार से लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चला रही है योगी, वहाँ की सरकार और योगी सरकार भी कुछ ऐसी योजना चला रही है, जिसमें महतारी वंदना योजना है, कुछ और राज्य सरकार भी योजनाएं चला रही है। आपको बता दें, पूरे देश भर में मोदी सरकार इस योजना को चला सकती है। इसको कौन कौन पात्र हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए? तो भी आपके पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक आपके पास होनी चाहिए, और सबसे पहले हम बात करेंगे तो आपके पास SBI या आपके पास HDFC, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन बैंकों में से अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपका पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्द पैसा आपके बैंक तक पहुंचा दिया जाएगा। आप जल्द खुलवा ले भैया, आपके अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो। जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक जुमला मात्र, जी हाँ 8,500 रुपये महिलाओं को बैंक अकाउंट में डालने की बात कही थी, और भी काफ़ी सारी महिलाएँ जो कांग्रेस की दफ्तर है उसके बाहर पहुंच भी गई थी। आपको बता दिया, मोदी सरकार ने सीधा मास्टर स्ट्रोक खेला है, और ये इसकी इस योजना की कोई मैनिफेस्टो में कहीं दूर दूर तक चर्चा भी नहीं थी। अब महिला सम्मान निधि एक योजना सरकार लेके आ रही है, जो कि जुलाई में लागू हो सकती है, और आपको मैं बता चुका हूँ, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप फार्म भर सकती हैं। आगे भी काफ़ी सारी योजनाएं, छोटी बड़ी सभी की जानकारी आपको समय से पहले ही मिलती रहे, तो आप YouTube चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे आपकी राज्य सरकार की योजना हो, सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।